Hope you guys are doing very well. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरी वन, प्लीज काइंडली क्विकली टेल मी. ऑल्सो आज का ये जो लेक्चर है हम लोगों का, वी विल बी कवरिंग द सेवेंथ चैप्टर विच इज द इंडियन आर्किटेक्ट, द इंडियन थिएटर, जिसपे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं. किसी का कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज पिंग मी, आई हेल्प यू विद द सेम. ठीक है, गुड इवनिंग एवरी वन. गुड इवनिंग दिपेश विशाल, गुड इवनिंग शॉ, गुड इवनिंग अर्पित दिपेश. ठीक है, ऑन दैट नोट गाइस, स्टार्टिंग विद द क्लास, बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द वॉट ऑल वी विल बी कवरिंग टूडे. बेसिक इंट्रोडक्शन, थिएटर क्या होता है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, फॉलोड बाई क्लासिकल संस्कृत थिएटर, देन फोक थिएटर जिसके अलग अलग टाइप्स थे, जहाँ पे रिचुअल थिएटर, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, साउथ इंडियन थिएटर पर फोकस करेंगे, एंड फाइनली वी विल बी फोकसिंग ऑन द मॉडर्न इंडियन थिएटर. ठीक है, किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज लेट मी नो, आई हेल्प यू विद द सेम. हेलो गाइज, गुड इवनिंग. हेलो शिखा, दिपेश, दीपांकर, अर्पिता, रीजे, अरुण, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. On that note, guys, starting with the class. So before I begin, just a very, very quick. Achha, please don't worry, Vishal, just take care, rest karo. Hello, Santika. Hello, Suhana. Good evening. Hello, user ID. That's a very big name. Good evening and welcome to the class. Chaliye. So before I begin, just a quick reminder of the batches that we're starting from the 14th of April. We have the बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर 3500 एमसीक्यू का हम लोगों का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स का कोर्स कवर करेंगे, रिवीजन सीरीज विद एमसीक्यू दैट विल बी डिस्कस्ड फॉर 2021 एस्पिरेंट्स, फॉलोड बाय सुहाना, नॉट येट, वी वोंट बी स्टार्टिंग दी आईआर सेशन येट. उसकी जगह वी आर प्लानिंग कि हम लोग कुछ गवर्नमेंट स्कीम या पॉलिसी उस तरीके का कुछ कर ले. व्हेनेवर इट स्टार्ट्स आई विल नोटिफाई यू गाइज इन द क्लास इटसेल्फ, डोंट वरी. ठीक है, बिना नोटिफाई किए वोंट बी स्टार्टिंग. उसके अलावा वी हैव अ मिशन विक्ट्री बैच स्टार्टिंग गाइज, जहाँ पे हम लोग बायलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में पूरा का पूरा प्रीलिम्स और टेस्ट सीरीज का कोर्स कवर करेंगे, मिशन विक्ट्री बैच, जो कि वन ईयर के लिए होगा 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए. सेम लाइंस पे हम लोगों का हिंदी और इंग्लिश बैच होगा. ठीक है, पोस्ट दैट वी विल बी हैविंग दी बायलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश बैचेस फॉर टू ईयर एस्पिरेंट्स 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स का पूरा कोर्स, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड एनसीईआरटी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज. ठीक है, हेलो वैभव, हेलो जे जे, गुड मॉर्निंग, हेलो अजय, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. नहीं नहीं, वी वोंट बी स्टार्टिंग विद आईआर टुडे विशाल, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ द डे. ठीक है, आईआर जब भी स्टार्ट होना होगा वी विल बी लेटिंग यू नो कब से आईआर स्टार्ट होगा, एंड एज ऑफ नाउ वी नॉट स्टार्टिंग आईआर एटलीस्ट टिल द प्रीलिम्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. अरुण, कॉम्बो के ऑप्शन के लिए जस्ट गो टू अन अकेडमी वेबसाइट, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना सारे लिंक्स दिए हुए हैं जीएस आइकॉनिक कॉम्बो के, उससे आपको मिल जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच सायंतिका, सेम टू यू एज वेल. चलिए, ऑन दैट नोट गाइस, स्टार्टिंग विद क्लास. अगर आप फर्स्ट टाइम रेफरेंस की बात करें कि कहाँ पे नाट्यशास्त्र में कहाँ पे रिलेटेड टू ड्रामेटिक्स, रिलेटेड टू थिएटर कुछ भी मेंशन किया गया है, द फर्स्ट रेफरेंस इट हैज बीन गिवन रिलेटेड टू थिएटर वो दिया गया है भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में. ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मल ट्रियटाइस है ऑन ड्रामाटर्जी, जहाँ पे ये बताया गया है किस तरीके से ड्रामा से रिलेटेड कौन से नवरस या नौ एक्सप्रेशन होते हैं, विच आर एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड योर इमोशंस, द हैप्पी, सैड, सरप्राइज, ऑल सच फेसेस. ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे दो तरीके के प्लेस को डिस्क्राइब किया गया है, द नाटक एंड प्रकरण, इन दोनों प्लेस पे फोकस किया गया है, फॉलोड बाय जहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा प्ले वन एक्ट का होता है, कौन सा प्ले टेन एक्ट का होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस चीज़ पे फोकस किया गया, जैसे नाटक हो गया दिस कैन बी अ सिंगुलर एक्टेड प्ले, प्रकरण हो गया दिस कैन बी अ टेन एक्ट प्ले, अप टू टेन एक्ट्स. ठीक है, उसके अलावा इंडियन थिएटर जो इनिशियली स्टार्ट हुए थे, क्यों स्टार्ट हुए थे, क्या चीज़ को नरेट करने के लिए स्टार्ट हुए थे, तो द इंडियन थिएटर दैट इनिशियली स्टार्टेड वो एक नरेटिव आर्ट फॉर्म के पार्ट में स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे इनका सबसे मेजर सोर्स होता था एंटरटेनमेंट का, कि किस तरीके से दे कैन एंटरटेन द पीपल ऑफ वॉट इज हैपनिंग. एग्जैक्टली, जो नवरस है दैट इज लाइक नाइन डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट आर बीइंग देयर, जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं, फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट. वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पोर्शन की जहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोशल इशूज जितने भी हैं उन पर फोकस किया गया और इंश्योर किया गया कि हर सोशल इशू पे किसी ना किसी तरीके से ये लोग वर्क कर रहे हैं. ठीक है, पोस्ट दैट यहाँ पे ड्रामाटर्जी के साथ ना एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन की गई थी कि यहाँ पे कॉन्कॉक्शन है म्यूजिक, डांस और एक्टिंग का, मतलब तीनों चीजों का मिश्रण है. ड्रामा सिर्फ ड्रामा की तरह नहीं है, जैसे तमाशा होता है ना, लाइक अ प्रॉपर थिएटर, देर आर साउंड इफेक्ट्स, देर आर वेरियस एक्सप्रेशन, देर आर डांस फॉर्म्स किसी भी सीन को डिपिक्ट करने के लिए, उसी तरीके से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हैव बीन एनकम्पास्ड और एंथूस्ड इन द नाट्यशास्त्र. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया यहाँ पे एक बार बता दो, आई हेल्प यू विद द सेम. परफेक्ट, परफेक्ट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं क्लासिकल संस्कृत थिएटर पे. तो इंडिया में जो सबसे पहला कॉन्कॉक्शन मीन्स अ कॉम्बिनेशन, गौरव, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री. ठीक है,
Coming to classic Sanskrit theatre, classic Sanskrit theatre is one of the oldest theatres that the world has known and that has existed in India, और ये ancient time से exist करते आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो plays हैं, दो types के होते थे, एक होते थे लोकधर्मी, एक होते थे नाट्यधर्मी. लोकधर्मी प्लेस होते थे जहाँ पे रियलिस्टिक डिपिक्शंस होते थे डेली लाइफ के, मतलब सोशल इश्यूज जो भी हैं, रिलीजियस इश्यूज जो भी, उस पर फोकस किया जाता था कि सोसाइटी ओवरऑल किस तरीके से फंक्शन कर रही है, जिसको हम बोलते हैं मैंगो रिपब्लिक. जो आम आदमी के इशूज़ हैं उनसे रिलेटेड किसी भी बात पर डिस्कशन करना है, उनके क्या व्यूज़ हैं, वॉट इज़ हैपनिंग इन देयर डेली लाइफ, उस चीज़ पर डिपिक्शन किया जाता था. नाट्यधर्मी कन्वेंशनल प्लेस होते थे जिनका स्टाइलाइज नैरेटिव होता था, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोई प्रॉपर बुक लिखी गई है तो बुक से उन्होंने रेफरेंस ले लिया, या किसी पौराणिक कथा से, किसी भी पुराण से या माइथोलॉजी से उन्होंने यहाँ पे इसको अडाप्ट कर लिया और उसके डायलॉग्स में लिख के यहाँ पे उसका ड्रामेटाइजेशन किया. सो नाट्यधर्मी एक्चुअली मेंट ड्रामेटाइजेशन ऑफ अ प्ले, जहाँ पे इंश्योर किया जाता था कि जो भी प्ले है उसको किस तरीके से ड्रामेटिक्स के तहत ड्रामेटाइज करेंगे. एंड जो लोकधर्मी होता था वहाँ पे रियलिस्टिक डिपिक्शन होता था डेली लाइफ का. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया यहाँ पे? परफेक्ट, परफेक्ट. उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानने की है कि जहाँ पे जितने भी प्लेस थे, किस तरीके से ये प्लेस आते थे, 10 टाइप की कैटेगरीज में आते थे. अब ये 10 कैटेगरीज कौन सी हुई? ये वो कैटेगरीज होती थी जहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे होते थे या इंश्योर कर रहे होते थे किस थीम पे प्ले है, ठीक है? अंक, भन, थीम, इतम, नगर, नाटक, व्योग, विधि, स्वकर्ण, प्रकरण, प्रहसन, ये अलग अलग टाइप्स के होते थे, ठीक है? किस तरीके से इट वुड वर्क. जैसे वियोग हो गया, वियोग मीन्स अबाउट समबडी गोइंग अवे फ्रॉम यू, उसका जो कहते हैं ना दुख जो आप बांटते हो, या रिलेटेड टू किसी की डेथ होगी, समबडी वॉज वेरी क्लोज टू यू, यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, उस पर फोकस किया जाता था. इसी तरीके से प्रहसन हो गया, प्रकरण हो गया. ये 10 कैटेगरीज अगर याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होती प्लीज बैठ के सारे याद करने मत लग जाना, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले. सो डोंट किल योर सेल्फ लाइक यू नो ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दम. एग्जैक्टली, वेन यू आर लॉन्गिंग फॉर समवन, उस तरीके में, ठीक है? लोकधर्मी हो गए, डॉक्यूमेंट्री टाइप समझ सकते हो, नॉट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्री, या जहाँ रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझ सकते हो. नाट्यधर्मी हो गया अ स्टाइलाइज नरेशन, जहाँ पे फोकस किया जाता है इन अ फिक्टिशियस फिल्म. एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट इज अ बेटर कॉम्बिनेशन टू रिमेंबर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, जो चीज़ नहीं समझ आई हो एक बार बता दो. परफेक्ट, परफेक्ट. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती थी संस्कृत प्लेस की? बिकॉज संस्कृत थिएटर जो था ये क्लासिकल था. क्लासिकल टर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिजिड प्रिंसिपल्स होते थे, ठीक है? कि देर हैज टू बी अ इंट्रोडक्शन, एक सूत्रधार होना चाहिए जो स्टोरी के नैरेटिव को लिंक करेगा, ठीक है? उसके बाद एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, फिर इसका एंड होना चाहिए. साथ ही साथ में नंबर ऑफ एक्ट्स जो है वो फिक्स होना चाहिए, अपने मर्जी से बढ़ा और घटा नहीं सकते. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट संस्कृत स्टार्टेड लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी, ठीक है? बिकॉज ऑफ दीज रीजन संस्कृत प्लेज में, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेसिफिक इनोटेशन होते थे कि हमको हर प्ले को एक पर्टिकुलर तरीके से करना, एक प्री प्ले रिचुअल होगा, पोस्ट प्ले रिचुअल होगा, डेटी की वर्शिप करनी है, बहुत ओल्ड फैशन होते थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि संस्कृत स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेज कौन से हैं जो हमको याद करने हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव बीन आस्क्ड इन अ फ्यू प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल. यहाँ पे जो इधर मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हैं नाम, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, ये हैं सारे ऑथर्स, ठीक है? ये हैं सारे ऑथर्स जो मैंने लेफ्ट में लिखे हैं, और जो मैं ब्लू से अभी मार्क कर दूंगी वो हैं आप लोगों के सारे नेम ऑफ प्लेस, ठीक है? दीज आर द वंस जो याद करने हैं. अब कैसे भी कर लो, खुशी से कर लो, दुख से कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये एक बार एटलीस्ट गो थ्रू दिस मच लिस्ट. मैंने बाकी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इनकी स्टोरी क्या है वो भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इट इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्ले किसने लिखा, ठीक है? सो अश्व घोष ने जो लिखा था सत्री सारीपुत्र प्रकरण, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेज है अपेरेंटली इंडिया में जो लिखा गया है. एंड इसका जो हम बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अराउंड 4th या 5th सेंचुरी BC में इसका पार्ट आता है, ठीक है? ट्राई टू डू इट बाय हार्ट, बट बाय हार्ट नहीं हो पाता, ठीक है? एंड नो दीपक, आई डू नॉट, ठीक है? आई जस्ट गो थ्रू दीज, एटलीस्ट गो थ्रू दीज प्लेस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सारे याद नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, बट एटलीस्ट ट्राई जितने इसमें से हो जाएं, ठीक है? भाषा ने लिखा था स्वप्न स्वप्निषद दत्ता, ठीक है? सूत्रक ने लिखा था मृतचरित्तिका, कालिदास ने लिखे थे मालवग्नि मित्र, विक्रम विक्रम उर्वशी शकुंतलम, भावभूति ने लिखा था उत्तम रामचरित्र एंड महावीर चरित्र, विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्राक्ष, एंड हर्षवर्धन ने लिखी थी रत्नावली. कमिंग टू द पार्ट ऑफ हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन का जो प्ले है रत्नावली, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन एंशियंट हिस्ट्री ऑल्सो, जहाँ पे हम लोगों ने उनके कल्चर की बात करी थी, दी हर्षा डायनेस्टी, किस तरीके से एंशियंट इंडिया में हर्षा वॉज हिमसेल्फ अ वेरी इमिनेंट राइटर एंड ही रोट अ लॉट एंड ही रोट एक्सटेंसिवली, जहाँ पे रत्नावली में उन्होंने बहुत सारे फोकस किया हुआ है. क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया एक बार प्लीज बता दो. देवेश्वर तो हो गया. यू विल ईदर रिमेंबर द नेम ऑफ दीज प्लेज एंड द ऑथर्स, और एल्स यू विल रिमेंबर कि किस तरीके से यू नो द नेम ऑफ योर फ्रेंड, दोनों नहीं हो सकते. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. एग्जैक्टली, द फैमिली के लिए वॉर वॉज द हर्षवर्धन पार्ट, जहाँ पे रत्नावली पर उन्होंने फोकस किया था. ठीक है, एंड नहीं सुमित, ऐसा नहीं था कि ये थिएटर एक्ट सिर्फ स्पेशली ब्राह्मण से रॉयल्टीज के लिए होते थे, ये सब लोगों के लिए होते थे. इट वॉज ओपन फॉर ऑल, एनी वन कुड एनोटेट, एनी वन कुड वर्क ऑन दीज. ठीक है, एब्सोल्यूटली विनीता. हर्षा रोट ऑल द थ्री प्लेज जो आपने बताया, रत्नावली, नागनंदन, प्रियदर्शी. क्लियर, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. देन कम्स द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर. अब संस्कृत थिएटर बिकॉज इतना रिजिड था पहला पार्ट, तो इसलिए डिक्लाइन हुआ. रिजिड ऑर्थोडॉक्सी थी. रिजिड ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है, लोगों को क्रिएटिव स्पेस नहीं मिलता था, फ्रीडम नहीं मिलती थी टू डू एज दे लाइक. मतलब दे हैड टू फॉलो द रिचुअल्स. उनको एक पहले भगवान की आराधना करनी है, प्ले खत्म होने के बाद भगवान की आराधना करनी है, वाइल विद इन द प्ले सूत्रधार होना चाहिए, ये सारे लिंकेजेस होने चाहिए. सबसे पहला पार्ट आता था ये, जिसकी वजह से लोग कई बार उसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे. प्ले राइट्स जो होते थे उनके दिमाग में ये होता था कि हमको एक पर्टिकुलर प्ले को 8 या 10 एक्ट में खत्म करना है, जिसमें कोई मॉडल मॉडलिस्टिक स्टोरी बतानी है. देर हैज़ टू बी अ हीरो, देर हैज़ टू बी अ हीरोइन, देर हैज़ टू बी अ कॉमिक कैरेक्टर. ये सारी चीज़ों को रखते हुए उनके दिमाग में चलता रहता था कि किस तरीके से हम लोग ऐसा प्ले बना पाएं विच इज़ एंटाइसिंग ऑल्सो, लोग उसको देख भी रहे हैं और लोगों के दिमाग में भी है. ठीक है, देन कम्स द संस्कृत ड्रामाटिस्ट, क्योंकि ये लोग पोएट्री की तरफ डाइवर्ज होने लगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वर्स्ट पार्ट वॉज हैपनिंग, लोगों को पोएट्री की ज़्यादा आदत लगने लगी. ठीक है, पीपल स्टार्टेड बींग बोर्ड ऑफ ड्रामा, पीपल स्टार्टेड बींग बोर्ड ऑफ लॉन्ग प्लेज. उनको लगता था कि इतना बोरिंग है टू सिट इन प्लेस, वेर एज पोएट्री स्टार्टेड मेकिंग मोर सेंस. ठीक है, देन विद द कमिंग ऑफ अदर रिलीजन्स, जैसे जैसे बाकी के रिलीजन्स बढ़ने लगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और अलग अलग तरीके के रिलीजन्स प्रोपेगेट होने लगे, ब्राह्मणिज्म का इम्पैक्ट कम होने लगा. क्योंकि ब्राह्मणिज्म का इम्पैक्ट कम हो रहा था, उसकी वजह से बाकी के जो रिलीजन्स, संस्कृति, इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कि संस्कृत अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगी, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण्स जो थे सिर्फ उन्हीं तक संस्कृत को अलाइन कर दिया गया. यहाँ पे फोकस किया गया कि भाई संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की लैंग्वेज होगी या हायर कास्ट की लैंग्वेज होगी, बाकी के जो लोग हैं वो पाली, प्राकृत, जो भी लैंग्वेजेस अक्रॉस होती हैं वो बोलेंगे. पहला चीज़. दूसरा चीज़, संस्कृत वॉज, इट वॉज नॉट जस्ट टफ, कमिंग टू योर पॉइंट द वे यू सेड विनीता, पोएट्री एक्चुअली रिप्लेस ड्रामा. पोएट्री ने बिकॉज ड्रामा को इसलिए रिप्लेस कर दिया, बिकॉज इन पोएट्री विद इन अ पैराग्राफ, विद इन टू पैराग्राफ्स, विद इन अ पेज, विद इन थ्री पेजेस, आपको पूरा कॉनोटेशन समझ आ जाता था. यू डिड नॉट हैव टू सिट थ्रू द होल एक्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इमोशन क्या बताना चाहते हैं, इसके एंड में क्या मॉरल है. ठीक है, एंड जिस तरीके से मुस्लिम रूलर्स आने लगे तो संस्कृत थिएटर को बैक सीट मिल गई, उसकी जगह डांस और म्यूजिक ने ज़्यादा पेट्रनेज गेन कर ली. लोगों को लगता था कि हम जितना टाइम ड्रामा में लगाएंगे, एक पूरा प्ले सेटअप करेंगे, उतनी देर में अगर हम डांस कर देंगे या फिर हम अगर म्यूजिक पे फोकस करेंगे, दैट विल गिव अस मोर प्रोमिनेंस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, समझ आ गया क्लासिकल संस्कृत थिएटर क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेस थे, द रीजन वाई इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. कोई ऐसा पार्ट जो किसी को नहीं समझ आया एक बार पूछ लो, आई हेल्प यू विद द सेम. परफेक्ट, परफेक्ट. एंड नॉट जस्ट विशाल, नॉट जस्ट गौतम बुद्ध का मेन रोल था, आप ये बोल सकते हो बुद्धिज्म, जैनिज्म एज इट स्टार्टेड प्रोपगेटिंग. ठीक है, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. बिफोर आई मूव अहेड टू द फोक थिएटर, जस्ट अ क्विक क्विक रिमाइंडर अबाउट द बैचेस जो हम लोगों के 31 जुलाई तक वैलिडिटी रहने वाली है, जिन बैचेस की, जिनके बारे में मैंने बताया. 31 जुलाई 2022 और 23 तक इन कोर्सेज की वैलिडिटी रहेगी. ऑल द जीएस आइकॉनिक कॉम्बो ऑप्शन, जस्ट चूज द कोर्स शिवजी लाइव. बैचेस के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं इन द डिस्क्रिप्शन. एंड उसके अलावा अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा ऑन द 18th of April, विच इज द बिगेस्ट क्विज ऑफ यूपीएससी, बिगेस्ट स्कॉलरशिप है. 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में, 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है. जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइव. ठीक है गौरव, ये जो है हम लोगों का अनअकैडमी कॉम्बैट, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. कोर्सेज जो है उनका फी स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर. जस्ट टेक अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे फीस आ जाएगी. एंड आपको अगर उस पर डिस्काउंट चाहिए, जस्ट यूज द कोड शिवजी लाइव, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. कम, आई थिंक यहाँ तक सबके क्लासेस, यहाँ पे सबके डाउट्स क्लियर हो गए ना. परफेक्ट, परफेक्ट. नाउ दीपक, यू कैन टेक ऑल द क्लासेस ओवर हियर ऑन दी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, यहाँ पे सारे क्लासेस अवेलेबल है. या फिर मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ ऑन दी अनअकैडमी, आप वहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है,
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विशाल, यू आर वेरी राइट ऑन दैट पार्ट. ठीक है, चलिए कमिंग टू रिचुअल थिएटर. रिचुअल थिएटर का मतलब क्या होता है? रिचुअल थिएटर का मतलब समथिंग विच इज डन एज अ डिवोशन टू अ पर्टिकुलर डेटी और अ गॉड. जहाँ पे कोई डिवोशन है टू अ गॉड और अ डेटी, उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा से, वी ऑलवेज कॉल इट टू अ पर्टिकुलर गॉड और अ पर्टिकुलर डेटी, उसको हम रिचुअल बोलते हैं पहला. या फिर कोई फेस्टिवल से रिलेटेड हो और रिलेटेड टू अ फेस्टिवल. ठीक है, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट फोक फेस्टिवल्स होते हैं, किस तरीके से फोक थिएटर्स पे फोकस किया जाता है. सबसे पहला आता है रिचुअल थिएटर में अंकिया नाट. अंकिया नाट जो है असम में परफॉर्म किया जाता है, जो कि शंकर देव के टाइम पे आया था. वैष्णव सेंट जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और जो कृष्णा की लाइफ है उस पर फोकस किया जाता है. ठीक है, तो अंकिया नाट इज इन असम, और कृष्णा की जो लाइफ, पूरी लाइफ स्टोरी है उस पर फोकस किया जाएगा, जहाँ पे मास्क वगैरह का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस. ठीक है, पहला चीज. सेकेंड पार्ट होती है किस तरीके से जो मंडली होती है, पूरा एक ग्रुप होता है, दे विल बी परफॉर्मिंग. ठीक है, कला जो होता है, कला इज अगेन अ वैष्णवाइट सेट विच इज डन इन द रेवरेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, और जहां पे दशावतार कला हो गया, गोपाल कला हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है. ठीक है, देन कम्स रामलीला. रामलीला वी नो यूपी में होती है मोस्ट प्रोमिनेंटली, 7 दिन में, जहाँ पे लॉर्ड राम की जो पूरी लाइफ स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशहरा. देन वी हैव रासलीला विच इज अगेन डन इन यूपी, स्पेशली इन द ब्रज एरिया, जहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ स्टोरी है उस पर फोकस किया जाता है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया, एक बार मेरे को बता दो, आई विल हेल्प यू विद द सेम. क्विकली क्विकली टेल. देन कम्स भूटा. भूटा जो पार्ट होता है, दैट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका में वन दैट इज डन, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो डेड एंसेस्टर्स है. भूटा का मतलब भी हुआ भूत. ठीक है, भूत मतलब ऑल द एंसेस्टर्स, उस पर फोकस किया जाता है. ठीक है, भूटा यहाँ पे फोकस ही करता है किस तरीके से जो कि डेड एंसेस्टर्स हैं उनको याद किया जा रहा है. तो जैसे कई लोगों के पितृपक्ष, कई लोगों के क्या थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया पितृपक्ष मनाया जाता है. मेहिको में भी एक ये फेस्टिवल होता है, जहाँ पे देर एक्चुअली कमिंग टू द ओल्ड पीपल, जहाँ पे वो लोग अपने पुराने जो लोग, उनकी डेथ हो गई, एंसेस्टर्स उनकी डेथ हो गई, उनको याद करते हैं और उन पर फोकस करते हैं. सेम इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन भूटा ऑल्सो, जहाँ पे डेड एंसेस्टर्स को रेवियर किया जाता है. ठीक है, फाइनली लास्ट में आता है रमन. रमन को यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में नाम आया हुआ है, इंटेंजिबल लिस्ट में, जहाँ पे ये एक सेक्रेट फेस्टिवल होता है जो कि गढ़वाल रीजन में किया जाता है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे छुप रहा है, ये लास्ट वाला, दिस इज रमन विच इज डन इन द गढ़वाल रीजन, और दो विलेजेस हैं वहीं पे परफॉर्म करते हैं. क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई ऐसा पोर्शन जो नहीं समझ आया किसी को इन द एंटायर रिचुअल फेस्टिवल, एक बार नहीं, रिचुअल थिएटर नहीं समझ आया मुझे बता दो, आई रिपीट इट. नहीं, अर्पित, भूटा भूटान में नहीं होता, भूटा स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड इन दी कर्नाटका एरिया. ठीक है, साउथ इंडिया में होता है. क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए मूविंग अहेड, कमिंग टू द थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अब थिएटर ऑफ कला इज मेंशन, सुमित, कला मेंशन है, सेकंड एडिशन में मेंशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द थर्ड वन. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. रमन जो होता है, रमन में ना फेस पे मास्क लगाते हैं, और जो भंडारी कम्युनिटी के स्पेसिफिकली लोग होते हैं, भूमियाल देवता होते हैं इनके, ट्यूटिलरी गॉड, भूमिलरी जो भूमियाल देवता होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनका कुल देवता, उसकी पूजा या आराधना करते हैं ये लोग. ठीक है, विवेक क्या चीज स्टार्टिंग से करवानी है? द एंटायर चैप्टर. यू वॉच द क्लास फ्रॉम स्टार्टिंग. नो, जो पार्ट नहीं समझ आए पिन इन द कॉमेंट्स, आई विल आंसर इट देयर. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. क्या चीज दशावतार टेम्पल में होती है विनीता? आर यू टॉकिंग अबाउट कला जो दशावतार टेम्पल में होता है, या भूटा की बात कर रहे हो? एक बार बता दो. देन कमिंग टू द थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के जितने भी थिएटर्स होते हैं, यहाँ पे आपके सोशल, पॉलिटिकल, इन सारे इश्यूज को लिया जाता है, या फिर सटायर. ठीक है, ये सारे प्लेज होते हैं, ब्राइट होते हैं, लाउड होते हैं, सॉफ्ट, सॉम्बर, डिपेंडिंग ऑन द ट्यून, उन सारों पे फोकस किया जाता है. कला नॉट एग्जैक्टली इन अ टेम्पल, नॉट जस्ट इन अ दशावतार टेम्पल, बट यहाँ पे ये लोग अपने डेड एंसेस्टर्स को, ये उनकी जो स्पिरिट होती है ना, उसको प्रे कर रहे होते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन. कला में, कला का ही बता रही हूँ मैं, कला में ये लोग अपने डेड एंसेस्टर्स को, सॉरी, कला में ये लोग दशावतार में, मतलब एज ए विष्णु के रूप को इनकार्नेट या प्रे कर रहे होते हैं. कला के ब्रांचेस होते हैं, दशावतार कला इज अ ब्रांच ऑफ कला, जहाँ पे उनकी पूजा करी जाती है, या गोपाल कला हो गया. तो जैसे अलग अलग नाम है विष्णु जी के, उस पे रिलेटेड स्टोरीज बनाई जाएंगी, उस पे थिएटर थिएटर होगा. क्लियर, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन यहाँ पे? परफेक्ट परफेक्ट. देन कमिंग टू भवाई.
सबसे पहले आता है भवाई, जो कि फोक थिएटर है गुजरात और राजस्थान का, विच इज़ अकम्पनीड बाई सेमी क्लासिकल डांसिंग. तो यहाँ पे सेमी क्लासिकल डांसिंग होती है भवाई में. तो फोक हमने राजस्थान वाले भवाई में देखा था, यहाँ पे ये लोग अपने सर पे मटका बैलेंस करते हैं या पिचर्स को बैलेंस करते हैं. और जो गुजरात में हमने देखा था भवाई, यहाँ पे ये लोग साथ ही साथ में सिंपल वे में डांस करते हैं. ठीक है, 10 काठिया जो होता है उड़ीसा का फोक थिएटर है, विच इज़ अकम्पनीड बाई ड्रामेटिक म्यूजिक. ड्रामेटिक म्यूजिक का मतलब होता है वेर इन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ लाउड म्यूजिक, पहला चीज़. सेकेंड थिंग, जहाँ पे जो ड्रामा का इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है, जो एनी एकता कपूर शो में यू कैन लिसन टू द बैड म्यूजिक, उस टाइप का. ठीक है, देन कम्स गरोड़ा. गरोड़ा जो होता है गुजरात में होता है, जहाँ पे पेंटेड पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है टू नरेट द स्टोरी. तो जैसे बच्चों को बचपन में अल्फाबेट सिखाते हो, एप्पल के साथ जब ए फॉर एप्पल सिखाते हो तो एप्पल के इमेजेस दिखाए जाते हैं, उसी तरीके से गरोड़ा में ये लोग जिस भी थीम पे स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं उसकी पूरी पूरी पेंटिंग्स बनाते हैं पीछे, एंड देन उस पर डिपिक्शन करते हैं. मतलब पीछे वॉल आर्ट होते हैं या सीन को डिपिक्ट करने के लिए तरीके होते हैं. ठीक है, जात्रा जो होता है ईस्ट इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट फेस्टिवल है, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ टीचिंग्स हैं उस पर फोकस किया जाता है, जहाँ पे वो लोग दिखाते हैं किस तरीके से लॉर्ड कृष्णा ने क्या क्या सिखाया या उनकी लाइफ से वॉट लेसन कैन बी लर्न. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव करीला. करीला इज एन ओपन एयर थिएटर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे ये लोग ठंड के टाइम पे या यू नो स्प्रिंग या ऑटम के टाइम पे ओपन एयर पार्ट में लाइक दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डांसिंग, एंड नॉट जस्ट दैट, दे आर सिंगिंग ऑल्सो इन द लोकल जो टेन्योर मतलब लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें. ठीक है, यहाँ पे फेयर्स और फेस्टिवल, जब विलेज में कोई भी गाँव लगता है ना, गाँव में कोई भी फेयर या फेस्टिवल लगता है उसमें यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करीला का है, विलेज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, देन कम्स मार्च. मार्च में फोक थिएटर होता है मालवा बेस्ड रीजन का, जो कि माइथोलॉजिकल थीम होते हैं, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. मार्च में ये लोग जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कोई भी माइथोलॉजिकल थीम पे परफॉर्म करेंगे और दोहे गाते हैं, तो दोहों को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है. गाना इतना ज़्यादा नहीं होता, दोहों पर या किसी न किसी दोहे पे, जैसे कबीर के दोहे हो गए, उन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है. ठीक है, शॉर्ट ठंड या गर्मी के बीच का जो टाइम होता है हिमाचल में, जो आप करीला की बात करें ना, ऑटम एंड स्प्रिंग, जब ठंड आने वाली होती है या गर्मी आने वाली होती है, वो वाला टाइम. ठीक है, नौटंकी होता है ऑफ शूट ऑफ स्वांग एंड पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया. नौटंकी में अगेन हम लोगों ने ये देखा था किस तरीके से डांस म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है. लखनऊ कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एक लिरिकल फैशन में चल रहा होता है नौटंकी. नहीं, वो था तमाशा जो वहाँ पे थी महाराष्ट्र वाली, ठीक है, और उसका ऑफशूट था स्वांग जो था पंजाब में. व्हाट हैपन्स इन नॉर्थ इंडिया इज, उसको हम लोग बोलते हैं नौटंकी. स्वांग होता है पंजाब में, जहाँ पे वो आपस में ना वर्सेस एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे आपस में जैसे लड़का वर्सेस लड़की हो गया या दो टीम्स बन गई, दे आर परफॉर्मिंग देयर. स्वांग का मतलब हो गया पंजाबी अंताक्षरी, समझ लो यार इसको, जिसमें ड्रामा और डांस सब कुछ हो रहा है. ठीक है, पंजाबी अंताक्षरी, आई राइट इट डाउन, अब समझ आ जाएगा, आई एम श्योर अब नहीं भूलोगे. ठीक है, और इसमें डांस ड्रामा सब कुछ हो रहा है. वो टिप्पणी समझ आता है, एक दूसरे पे सटायर कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोला जा रहा है वैसा. तो नौटंकी में, स्वांग में, दोनों में एक ही चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दो पार्टीज बना ली और आपस में एक दूसरे के ऊपर दे विल बी लाइक यू नो सेइंग वर्बल थिंग्स, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे कॉमेंट्स में चल रहा था. यहाँ तक क्लियर? डाउट, मेरी क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनी डाउट टिल हियर एनी वन? परफेक्ट, परफेक्ट. देन कम्स द लास्ट पार्ट, ओजापली. ओजापली जो होता है दैट इज अ नैरेटिव थिएटर फ्रॉम फॉर्म ऑफ असम. असम में जो ओजापली होती है, वहाँ पे किस तरीके से फोकस किया जाता है इन ओजापली, यहाँ पे सिंपल ये लोग फोकस कर रहे होते हैं ऑन अगेन द सर्पेंट गॉडेस, जो मनसा होती है इनकी, एक मनसा देवी करके सर्पेंट गॉडेस है, उसकी पूजा या आराधना कर रहे होते हैं. ओजा का मतलब होता है मेन नरेटर, जो सूत्रधार होता है, जो कहानी को पूरा नरेट करेगा, उसको ओजा बोला जाता है. जो पल्ली होता है दैट इज द होल कोरस, जहाँ पे लोग होते हैं, और यहाँ पे फेयर वगैरह में इस पे परफॉर्म किया जाता है. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, ये वाले थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट सबको समझ आ गए, एक बार बता दो मेरे को. यस टू एनी थिंग क्विकली क्विकली, परफेक्ट. उसके बाद कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ दिस, पुवाड़ा होता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑपरेटिक बैलेट्स, जो कि छत्रपति शिवाजी के वैलर में गाए जाते हैं. शिवाजी ने किस तरीके से अफजल खान को मारा, किस तरीके से औरंगजेब का पागल बनाया था, वहाँ पे उनकी तारीफों में, उनके वैलर के लिए, उनकी प्रेज में, उनके रेवरेंस में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. अगेन पुवाड़ा में दो चीज़ें होती हैं, पुवाड़ा की जब भी हम बात करते हैं, पवाड़ा में सॉन्ग भी होता है और पवाड़ा में हमेशा ना जो डांस या ड्रामा होते हैं उस पर भी फोकस किया जाता है. स्वांग, एब्सोल्युटली राइट विवेक, स्वांग इज अ मास डांस ऑल्सो एचपी में.
ठीक है. उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्वांग. स्वांग जो कि पॉपुलर सॉन्ग ऑफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पे सारंगी, ढोलक, हारमोनियम इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है. और ये लोग आपस में लाइक अ वोकैबुलर अंताक्षरी, या आप बोल सकते हो थ्रू अ ड्रामेटाइज अंताक्षरी, उस पर फोकस करते हैं. देन आता है तमाशा, विच इज़ अ फोक थिएटर ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि तमाशा में ये लोग फोकस करते हैं ऑन डांस, ऑन थिएटर, जहाँ पे प्रॉपर एलिमेंट्स होते हैं, और लव सॉन्ग जो होते हैं जिसको लावनी बोला जाता है, उस पर डांस परफॉर्मेंसेज या फिर ड्रामेटिसाइज परफॉर्मेंसेज होती हैं. बिल्लू पट्टू जो होता है, दैट इज अ बो सॉन्ग इन द डेक्कन एरिया, जहाँ पे ये लोग रामायण की जो कहानी होती है उस पर फोकस करते हैं, और रामायण की कहानी को डिपिक्शन किया जाता है. ओजा पल्ली में, ओजा का मतलब होता है ग्रुप, अ सिंगल पर्सन जो नरेटर होता है. पल्ली का मतलब होता है नॉट द लैंग्वेज, पाली वाली लैंग्वेज नहीं, पल्ली इज अ कोरस, कि एक आदमी पूरी कहानी नरेट करेगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे शो. ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, मेरी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन एक बार मेरे को प्लीज़ बता दो. कोई पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? परफेक्ट, परफेक्ट. देन कम्स भांड जश्न, जो कि मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस होता है पंजाब में. सो भांड जश्न इज समथिंग विच इज डन इन पंजाब, या भांड पाथेर भी. इसको दो तरीकों के होता है, एक होता है भांड जश्न, एक होता है भांड पाथेर. भांड पाथेर होता है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे एक सेकुलर डांस, सेकुलर फॉर्म होता है ये. भांड जश्न जो पंजाब में किया जाता है, दैट इज अ मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस. ठीक है, जो भांड पाथेर होगा, आई विल राइट इट ओवर हियर. ठीक है, इसमें जो पाथेर होता है वो जे एंड के में होता है, जहाँ पे ये लोग डांस, ड्रामा इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं. और जो मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस पंजाब में होता है उसको भांड बोलते हैं. क्लियर? बो सॉन्ग का मतलब हो गया विनीता, जहाँ पे इन लोगों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो बो की शेप में होता है, उसको बजाते हैं और रामायण की स्टोरी को डिपिक करते हैं. बो सॉन्ग का ये मतलब नहीं हुआ कि लाइक यू नो तीर कमान के ऊपर गाना गाते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, इफ आई एम नॉट कुछ इस तरीके का शेप होगा यहाँ पे, और यहाँ से लेके ऐसे स्ट्रिंग बंधा होता है, एंड इसको, इस चीज़ को ये लोग बजाते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज कॉल्ड एज बिगुई और वॉट इज इट कॉल्ड. ठीक है, आई एम श्योर, रियली मेरे को आइडिया नहीं है. देन कम्स भोना. भोना जो डांस होता है, इट इज अ फोक थिएटर इन असम, जो कि वैष्णवाई थीम्स पे किया जाता है, यानी लॉर्ड विष्णु के जो रेवरेंस में या उनकी जो लाइफ स्टोरीज है उस पर फोकस किया जाता है. पास्ट लास्ट में आता है दशावतार, विच इज़ अ पॉपुलर फोक फॉर्म ऑफ ड्रामा ऑफ द कोंकण रीजन. तो कोंकण रीजन के जो भी मछुआरे होते हैं वो इस पे परफॉर्म करते हैं, या ट्राइब्स जो होती हैं. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया? नहीं, नॉट लाइक अ तबला, दिस इज लाइक अ सारंगी और समथिंग, कि ऐसा करके होगा, यू शेप का बो होता है ना जैसे, और उस पर वाइब्रेशन करती, गिटार समझो, जिसमें क्वार्टेट्स नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट. चलो, उसके बाद आते हैं साउथ इंडियन थिएटर में. साउथ इंडियन थिएटर को क्यों अपना इतना एम्फेसिस मिला, या साउथ इंडियन थिएटर क्यों पॉपुलराइज हुआ? साउथ इंडियन थिएटर में हमेशा डांस का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ड्रामा सिर्फ अकेले नहीं होता. तो यहाँ पे डांस और म्यूजिक दोनों चीज़ों पे हमेशा फोकस किया जाता है, एंड हमेशा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साउथ इंडियन थिएटर प्रोमिनेंस में आया. सबसे पहला है यक्षगण, विच इज द ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ये लोग जो परफॉर्मेंसेस करते हैं, इट इज़ डन ऑन ऑल दी डांस ड्रामा होता है, एक सिंगल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म कर रहा होता है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन इज, यहाँ पे इसको बोल सकते हो कथकली का फॉर्मर वर्जन, कथकली का बड़ा भाई बोल सकते हो यक्षगण को. ठीक है, फिर आता है बुरा कथा. बुरा कथा होता है आंध्र प्रदेश का डांस ड्रामा, जहाँ पे परकशन इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमेशा इसके साथ में होगा, और जो यक्षा यक्षावली वाला जो होता है, दैट इज यक्षगण. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, यक्षगण इज नॉट जस्ट आंध्रा, आंध्रा एंड कर्नाटका बोथ है. सो सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी आप शुभम. आंध्रा भी है, कर्नाटका भी है, दोनों है, दोनों स्किप आउट मत करना, आंध्रा कर्नाटका दोनों है. ठीक है, मैं कर्नाटका लिखना भूल गई थी, दोनों में, दोनों में सुमित, आंध्रा कर्नाटका दोनों है. ठीक है, उसके बाद बुरा कथा जो होता है, दैट इज अ डांस ट्रेडिशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कोरस होता है एंड दे आर परफॉर्मिंग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. कोरस विद परकशन इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस किया जाता है, तो जो म्यूजिक आता है इन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आता है. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो अभी तक समझ नहीं आया किसी में भी, एक बार बता दो. परफेक्ट, परफेक्ट. उसके बाद आता है हम लोगों का अगला, तीसरा वाला, दैट इज ताल मदाली. ताल मदाली जो होता है, यहाँ पे ड्रम को प्ले किया जाता है. ठीक है, जो ड्रम, या इसको मान सकते हो प्रेडेसेसर ऑफ यक्षगण. तो ताल मदाली हो गया इवन बिफोर, व्हाट केम बिफोर यक्षगण, जहाँ पे भागवत गीता का जो नरेशन है, दैट इज डन. ठीक है, तो इन ड्रम्स वगैरह के थ्रू भागवत का जो नरेशन है उसको किया जाता है. परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक ढोलक एंड ऑल सच थिंग, उनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है. क्लियर? यहाँ तक डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो किसी को नहीं समझ में आया, एक बार बता दो. ये तीन समझ आ गए सबको?
उसके बाद आता है बाया लता जो डांस है, दैट इज अ ओपन एयर थिएटर इन कर्नाटका, ठीक है. एंड फाइनली लास्ट आता है प्रगति विशालू, विच इज अ फोक डांस ऑफ तेलंगाना. सो फोक डांस ऑफ तेलंगाना जहाँ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं ऑन वेरियस, जैसे जब भी हम बात करते हैं प्रगति विशालू की ना, हार्वेस्ट सीजन पे उस टाइम पे यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. क्लियर? एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? बायलता इन कर्नाटका, एब्सोल्युटली बायलता इन कर्नाटका, ठीक है. चलो उसके बाद भी आप थयम, थयम जो होता है इसको केरला में परफॉर्म किया जाता है ओपन एयर में, जो कि मंदिरों में परफॉर्म करते हैं इन द ऑनर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एंसेस्टर्स. तो जो भी इनके पुराने एंसेस्टर्स मर गए, आप बोल सकते हो दिस इज सिमिलर टू भूटा. तो जो हम लोगों का थयम होता है दैट इज सिमिलर टू भूटा, और ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि भाई जो भी इनके एंसेस्टर्स हैं, डेड एंसेस्टर्स, उस पर फोकस किया जाए या उनको रेवियर किया जाए. कृष्णा अट्टम होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल डांस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा गीति, मतलब कृष्णा जी की जो लाइफ है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है. और शुभम, आई कैन नॉट रिपीट द होल, आई कैन नॉट रिपीट अ 35 मिनट क्लास, मैन कम ऑन. आप एक बार रिपीट रिफ्रेश करके देख लेना ना, जस्ट सी द होल क्लास अगेन वंस आई एम डन विद द क्लास, ठीक है. चलो कमिंग टू द लास्ट वन, वी हैव दी कुरुवांजी. कुरुवांजी जो है कुछ 300-400 साल पुराना पार्ट है, जहाँ पे तमिल पोएट्री पे फोकस किया जाता है, क्लासिकल तमिल पोएट्री पे. यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है दैट इज इन अ बैले फॉर्म, और इसको पहली बार जिन्होंने बनाया था, कंपोज किया था, दैट वॉज थिरुकुट रजप्पा कबियार. यहाँ पे जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है डांस बैले होता है, एंड आप बोल सकते हो कि मॉडर्न जो भरतनाट्यम या डांस फॉर्म हमको मिला है उसके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स कुरुवांजी से लिए गए हैं, ठीक है. तो दिस इज अ डांस बैले एंड काइंड ऑफ एन एल्डर सिस्टर टू भरतनाट्यम, इसको ऐसे याद रख सकते हो. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? कोई पार्ट जो नहीं समझ आया? एंड नो निखिल, कृष्णा अट्टम एंड मोहिनी अट्टम आर नॉट द सेम. कृष्णा अट्टम इज अ वेरी कलरफुल डांस. मोहिनी अट्टम में जो कपड़े होते हैं हमेशा व्हाइट और गोल्डन होते हैं, विच इज डन स्पेसिफिकली बाय वुमेन, जहाँ पे दे आर एक्टिंग लाइक एन एनचैंट्रेस, ठीक है, हमेशा याद रखो. क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट. मूविंग टू द लास्ट पार्ट, अब हम आएंगे मॉडर्न इंडियन थिएटर पे. सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट, कमिंग टू द मॉडर्न इंडियन थिएटर, कि मॉडर्न इंडियन थिएटर में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कब कौन सा एसोसिएशन आया, किस तरीके से आया. सबसे पहले हमारे इंडिया में स्टार्ट हुए थे पारसी थिएटर्स 1850s एंड 1920s के दौरान, एंड ये वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस थे, स्पेशली बॉम्बे और गुजरात में, बिकॉज पारसीज हैव हैड अ वेरी ट्रेडिशन एंड वेरी रिच कल्चर, ठीक है. अभी भी देखोगे पारसीज एडवांस जितने भी ओल्ड थिएटर्स जो महाराष्ट्र में है, अक्रॉस द एरिया है, पारसीज ही उसको ओन करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद वेन रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड राइटिंग एक्सटेंसिवली, उनके जितने फेमस प्लेस थे उनको हर इंडियन थिएटर में प्ले किया जाता था, जिसमें से वाल्मीकि प्रतिभा, रोकटोक कोरिबी, चित्रगंधा, पोस्ट ऑफिस, ये सबसे फेमस प्लेस होते थे, विच वर प्लेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है. अब ये चीज देखो, अभी तक मॉडर्न इंडिया थिएटर में ना सोशल इश्यूज बहुत बाद में आए. इनिशियल इन लोगों का फोकस होता था ऑन ऑल दी बुक्स दैट वर हैपनिंग. सोशल इशूज ये लोग तब लाने लगे जब ब्रिटिशर्स ज़्यादा अत्याचार करते थे. सेकेंडली सोशल इशूज पे जो लोगों की एवरीडे कंडीशन होते हैं वहाँ पे फोकस इसलिए नहीं कर पाते थे ये लोग, बिकॉज द ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ दोज प्लेज टू बी प्लेड इन अ थिएटर, वो थिएटर्स पे बैन कर देते थे, ठीक है. विशाल, वाई आर यू मेकिंग द नोट्स? पीपीटी तो मिलेगा ना, वाई आर यू मेकिंग द नोट्स? जस्ट रिवाइज द सेशन वंस, पीपीटी खोल के एक बार सेशन वापस से प्ले कर देना, ठीक है. उसके बाद आता है देन केम दी, जब फॉर्मल सिनेमा स्टार्ट हुआ ना, जब फॉर्मल सिनेमा स्टार्ट हुआ, फॉर्मल सिनेमा में वी हैड पृथ्वी थिएटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिएटर्स था, जहाँ पे 1942 में पृथ्वीराज कपूर साहब ने इसको इनॉग्रेट करा. उसके बाद इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आया 1943 में, जिसको 1947 में बंद कर दिया गया था. उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी इस्टेब्लिश हुई 1952 में, जो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं, 8 क्लासिकल डांसेज, जितना भी थिएटर है उससे रिलेटेड सारा काम संगीत नाटक अकेडमी करती है. कौन सा क्लासिकल म्यूजिक है, किसको कहाँ पे क्या एनोटेशन देना है, किसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम ये करती है. कला क्षेत्र मणिपुर इस्टेब्लिश हुआ 1969, एंड द कोरस रेपर्टोरी थिएटर इट वॉज इस्टेब्लिश बाय रतन थैयम इन 1976. अमंगस्ट द ओल्ड वंस, मॉडर्न इंडियन थिएटर की बात करें, ये सबसे पुराने वाले थे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से अलग अलग कोनों में इंडिया के ये सारे बने. विनीता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1947 में बंद इसीलिए हुआ था क्योंकि इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू एक कल्चरल विंग था, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ठीक है, CPIM का कम्युनिस्ट विंग था, ठीक है, और उसी की वजह से मतलब कल्चरल विंग था, सॉरी, एंड आफ्टर द पार्टी वॉज डिसबैंडेड, या पार्टी में आपस में बंटवारा हो गया था ना, उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट वॉज डिसबैंडेड इन 1947. क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को मॉडर्न थिएटर में एक बार पूछ लो, या रादर पूरे के पूरे थिएटर चैप्टर में.
ऑल्सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू द आर्टिकुलेट चैनल. इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को दे दूंगी ऑन द अनअकैडमी, हमें टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर दिस सेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर यू श्योर? नहीं यार, आई हैव रेड सुमित 1942 में हुआ था पृथ्वी थिएटर सेटअप. 1942 ही तो मेंशन किया गया है, 1978 में परमानेंट बना था, उससे पहले 1942 में ही सेटअप हुआ था बाय पृथ्वीराज कपूर. ठीक है, इट नो इट वॉज इन बिल्ड बाय शशि कपूर आई थिंक अर्पित, इट वॉज बिल्ड बाय पृथ्वीराज कपूर हिमसेल्फ. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, संस्कृत का थर्ड पॉइंट, ओके कमिंग टू इट, रुक जाओ. संस्कृत लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी, ये वाला समझाना है संजय, क्या नहीं समझ आया? क्या चीज समझानी है इसमें थर्ड पॉइंट में, एक बार पूछो. अच्छा, इट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, ओके ओके ओके. अच्छा ओके, देन शशि कपूर माइट हैव बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ पृथ्वीराज कपूर. अच्छा अमंग, अरे ये रिलीजन से ब्राह्मण्स तक कन्फाइंड था, मतलब इसके जो रिलीजियस एट्रीब्यूट्स थे या रिलीजियस स्पीकिंग थी, जैसे संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, अब से ब्राह्मण्स बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे भी जो संस्कृत थी ना, वो सिर्फ हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी बोलते थे, जो गरीब तबके के लोग थे, आम आदमी थे, वो लोग इसको नहीं बोला करते थे. पूजा पाठ जो होता था तो उस टाइम भी संस्कृत श्लोकों में ही होने लगा था, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट तक रहने लगा, बाकी के जो लोग थे उनकी लैंग्वेज जो थी रोज रोज के बोलने की, वो चेंज हो गई थी. ब्राह्मण्स मतलब, अरे जो हमने ब्राह्मण वर्ण पढ़ा था वो लोग, समझ आया संजय? वर्ण सिस्टम पढ़ा था ना आर्ट एंशियंट हिस्ट्री में.